प्रोटीन के रिगार्डेड हम पढ़ने वाले हैं कि प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन के सोर्स क्या है, यानी प्रोटीन को कहाँ कहाँ से प्राप्त किया जाता है, कहाँ कहाँ से हमें प्रोटीन मिलता है, उसके सोर्स क्या है, प्रोटीन का डेली रिक्वायरमेंट क्या है बॉडी के अंदर, प्रोटीन का डेली रिक्वायरमेंट क्या है एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन के अंदर, एडल्ट पर्सन के अंदर क्या रिक्वायरमेंट है, एक इन्फेंट के अंदर क्या रिक्वायरमेंट है, एक प्रेग्नेंट लेडी के अंदर क्या रिक्वायरमेंट है, और एक लैक्टेटिंग मदर के अंदर क्या रिक्वायरमेंट है वो हम देखेंगे। उसके बाद इसके फंक्शन हम देखेंगे और देन इसकी डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स हम देखेंगे कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी से कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट वन हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। सबसे फर्स्ट वन हम पढ़ रहे हैं प्रोटीन, और प्रोटीन के रिगार्डेड हमने क्लासिफिकेशन देखा लास्ट सेशन के अंदर, तो वो जरूर देखें, ठीक है। तो चलते हैं आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं प्रोटीन्स क्या होती है। तो सबसे फर्स्ट वन पॉइंट आपको याद रखना कि प्रोटीन्स आर द मैक्रोन्यूट्रेंट, प्रोटीन्स आर द मैक्रोन्यूट्रेंट, जो कि लास्ट सेशन में आपको बता दिया गया था। प्रोटीन आर द मैक्रोन्यूट्रेंट, मैक्रोन्यूट्रेंट क्या होते हैं सर, मैक्रोन्यूट्रेंट वो न्यूट्रेंट होते हैं जो बॉडी को लार्ज अमाउंट में रिक्वायर होते हैं, यानी बॉडी को जिसकी लार्ज अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज मैक्रोन्यूट्रेंट्स। और मैक्रोन्यूट्रेंट्स में सबसे फर्स्ट वन हम पढ़ रहे हैं प्रोटीन्स, यानी प्रोटीन एक टाइप का मैक्रोन्यूट्रेंट्स माना जाता है, मैक्रोन्यूट्रेंट्स हैं क्योंकि प्रोटीन की भी काफ़ी अमाउंट में बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। चलिए फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, याद रखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन और ये टॉपिक्स कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी कंटिन्यूअसली रिपीट हुआ है कि मैक्रोन्यूट्रेंट्स इनमें से फॉलोइंग जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से पूछा जाता है ना, तो आपको याद रखना है। और आपके CCS और ब्रिज कोर्स के रिगार्डिंग तो ये इंपॉर्टेंट है ही, उसके रिगार्डिंग तो आपको सब कुछ पढ़ना है क्योंकि एज ए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आ गया। सेकेंड पॉइंट हम देखें, डीज आर द ग्रेट इंपॉर्टेंट इन ह्यूमन न्यूट्रिशन, यानी प्रोटीन का काफ़ी इंपॉर्टेंस है आपके न्यूट्रिशन के अंदर, प्रोटीन का आपकी ह्यूमन बॉडी के अंदर, ह्यूमन के अंदर जो न्यूट्रिशन लिया जाता है, ह्यूमन बॉडी जो भी न्यूट्रिएंट्स लेते हैं उनमें से लार्ज अमाउंट ये मान के चलिए रिक्वायर होती है प्रोटीन, इसीलिए का क्या कहा यहाँ पर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। और उसमें भी ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंट है इसका, मोस्ट ऑफ दी कह सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं एक ह्यूमन बॉडी के लिए, एक ह्यूमन हेल्थ के लिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियरली समझ आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम देखें तो आगे समझे एक बार, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोटीन आर कंपोज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, आयरन एंड अदर एलिमेंट्स इज वेरिंग अमाउंट, यानी प्रोटीन किस किस से मिलकर बना हुआ है, प्रोटीन कार्बन से मिलकर बना है, प्रोटीन हाइड्रोजन से मिलकर बना है, प्रोटीन ऑक्सीजन से मिलकर बना है, प्रोटीन नाइट्रोजन से मिलकर बना है, प्रोटीन सल्फर से मिलकर बना है, प्रोटीन फॉस्फोरस से मिलकर बना है, प्रोटीन आयरन से मिलकर बना है, प्रोटीन अदर कुछ एलिमेंट्स और हैं उनसे मिलकर बना है, यानी कह सकते हैं बेसिकली जो प्रोटीन है उसके अंदर काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं जिससे प्रोटीन बना हुआ है, इसीलिए कहा गया है कि प्रोटीन आर ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस इन द ह्यूमन न्यूट्रिशन, प्रोटीन का काफ़ी महत्व है एक ह्यूमन की फूड के अंदर, एक ह्यूमन की हेल्थ के रिगार्डिंग, इसीलिए इसको क्या माना जाता है, मैक्रो न्यूट्रेंट माना जाता है, ठीक है। आई थिंक क्लियरली समझ में आ गया होगा कि प्रोटीन किस किस से मिलकर बना है, कार्बन से बना है, हाइड्रोजन से मिला है, ऑक्सीजन से बना है, नाइट्रोजन से बना है, सल्फर से बना है, प्रोटीन फॉस्फोरस से बना है और आयरन से मिलकर बना है, और कुछ अदर एलिमेंट्स भी हैं जो कि अलग अलग अमाउंट में प्रोटीन के अंदर रहते हैं, यानी प्रोटीन इन सब से मिलकर बना हुआ होता है। तो याद रखिए पॉइंट, प्रोटीन आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, आयरन और अदर एलिमेंट्स दैट हैविंग वेरिंग अमाउंट ऑफ, ठीक है, तो कुछ अलग अलग अमाउंट में ये प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन्स के अंदर। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। प्रोटीन डिफर फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट और फैट, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और फैट से थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। प्रोटीन डिफर फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट और फैट, कार्बोहाइड्रेट और फैट से थोड़ा डिफरेंट माना जाता है प्रोटीन। दे कंटेन नाइट्रोजन अमाउंटिंग अबाउट 60%, यानी ऐसा माना जाता है कि प्रोटीन के अंदर
प्रोटीन के अंदर अबाउट 16% अमाउंट में क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। यानी कह सकते हैं कि मैक्सिमम अमाउंट में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है प्रोटीन के अंदर, मैक्सिमम अमाउंट में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है प्रोटीन के अंदर। याद रखे प्रोटीन के अंदर कितना परसेंट, कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है, तो आपका आंसर जाएगा 16% नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है प्रोटीन के अंदर। यानी ऑल ओवर कह सकते हैं अपन, ऑल ओवर कह सकते हैं अगर 100 ग्राम प्रोटीन है और ये मान के चलिए उसमें 16% नाइट्रोजन है, तो कह सकते हैं कि 16% इसका 16% आप देखेंगे तो 16% ही होगा, यानी ये कितना होता है नाइट्रोजन इसके अंदर प्रेजेंट होता है। याद रखें इस पॉइंट को कि प्रोटीन के अंदर अबाउट 16% नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। याद रखें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है 16% और अबाउट 1/5 ऑफ द बॉडी वेट ऑफ इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूट बाय द प्रोटीन। यानी कह सकते हैं कि बॉडी का जितना वेट है, बॉडी का जितना वेट है उसका 1/5 क्या है, प्रोटीन से बना है। कह सकते हैं लाइक अपन कह सकते हैं किसी पर्सन का वेट 50 kg है, 50 किलो का है कोई पर्सन, तो ये मान के चलिए कि उसका 1/5 प्रोटीन का है। यानी कह सकते हैं डिवाइड करके आप देखेंगे तो 10 kg यानी 10 किलो उसके अंदर क्या है, प्रोटीन माना जाता है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, याद रखें 1/5 ऑफ दी प्रोटीन, 1/5 ऑफ दी बॉडी या 1/5 ऑफ दी वेट ऑफ दी इंडिविजुअल दैट कंस्टिट्यूट बाई दी प्रोटीन। यानी प्रोटीन के थ्रू 1/5 एक ह्यूमन का बना रहता है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। लाइक किसी भी पर्सन का वेट है अगर 50 kg है तो उसका 1/5 यानी इसको डिवाइड करेंगे 5 से तो 10 kg, अप्रोक्सीमेटली 10 kg पार्ट है वो प्रोटीन से कॉन्स्टिट्यूट है, प्रोटीन से मिलकर बना है। आई थिंक क्लियरली समझ में आ गया होगा, आई थिंक क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा कि 1/5 बॉडी का जितना वेट होता है उसका 1/5 प्रोटीन से कॉन्स्टिट्यूट होता है, प्रोटीन से मिलकर बना रहता है, याद रखें। और प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन का जो अमाउंट है वो कितना होता है, 16% होता है, याद रखें, बोलना नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट आपके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। दीज आर बिल्ड अप अमीनो एसिड, ये किससे मिलकर बना है। देखिए बेसिकली हमने कहा है कि प्रोटीन के अंदर बेसिकली, नेक्स्ट जो ऊपर हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था, बेसिकली हमने कहा है कि प्रोटीन है उसके अंदर पाया जाता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, आयरन और कुछ अदर एलिमेंट्स ये प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन्स के अंदर। लेकिन आपको याद रखना है प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड, बेसिकली प्रोटीन है जो कि अमीनो एसिड से मेड अप ऑफ है, यानी अमीनो एसिड से बना हुआ है। प्रोटीन किससे बनता है, अमीनो एसिड से बनता है, यानी कह सकते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट प्रोटीन का, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, दैट इज अमीनो एसिड होता है। बाकी अदर सब्सटेंस भी इसके अंदर होते हैं जो भी ऊपर अपन ने डिस्कस किए, लाइक हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, फॉस्फोरस है, वो सब इसके अंदर पाए जाते हैं। लेकिन बेसिकली कहें तो प्रोटीन आर बिल्ड अप या बिल्ड या मेड अप ऑफ अमीनो एसिड, मेड अप ऑफ प्रोटीन किससे मिलकर बना है, अमीनो एसिड से मिलकर बना है। याद रखें अमीनो एसिड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ दी प्रोटीन। ठीक है, आगे याद रखें प्रोटीन आर चेन ऑफ अमीनो एसिड, इस तरीके से चेन बनी रहती है, लाइक ये एक अमीनो एसिड, फिर दूसरा अमीनो एसिड, फिर तीसरा अमीनो एसिड, फिर चौथा अमीनो एसिड, फिर पांचवा अमीनो एसिड, इस तरीके से एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बनी रहती है, यही क्या होता है, प्रोटीन होता है। लेकिन डायरेक्टली इसलिए अपन कह सकते हैं, डायरेक्टली क्या कह सकते हैं कि प्रोटीन आर द चेन ऑफ अमीनो एसिड, प्रोटीन क्या है, अमीनो एसिड की एक चेन है, यानी प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड एक चेन के रूप में होती है। कैसे भी आप समझे पर याद रखना है आपको कि प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बनी है और प्रोटीन के अंदर जो अमीनो एसिड होती है,
देखिए यहाँ पर आपने क्या पॉइंट डिस्कस किया है कि प्रोटीन किससे मिलकर बना है, अमीनो एसिड से मिलकर बना है, और प्रोटीन के अंदर जो अमीनो एसिड होती हैं वो चेन के रूप में होती है, यानी वन अमीनो एसिड फिर अमीनो एसिड फिर अमीनो एसिड फिर अमीनो एसिड, इस तरीके से चेन बना हुआ रहता है प्रोटीन के अंदर। तो कह सकते हैं कि प्रोटीन क्या है, चेन लाइक स्ट्रक्चर है अमीनो एसिड की। आगे देखें, सो इसीलिए हम आगे देखें, प्रोटीन आर पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमीनो एसिड। इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्रोटीन क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन है अमीनो एसिड की, पॉलीपेप्टाइड चेन है। आई थिंक यहां तक जो पॉइंट अपने डिस्कस किया है वो क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, अराउंड ह्यूमन बॉडी रिक्वायर्ड 22 अमीनो एसिड। बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट होती है अप्रोक्सीमेटली 22 अमीनो एसिड। बाकी और भी सारे अमीनो एसिड हैं जिसकी भी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन बेसिकली हम कहें कि 22 अमीनो एसिड तो रिक्वायर होते ही हैं। उसमें से भी कुछ अमीनो एसिड ऐसे भी हैं जो बिल्कुल बॉडी को रिक्वायर होंगे ही होंगे। अगर वो नहीं होंगे तो बॉडी के अंदर कोई भी डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो उनको कहेंगे एसेंशियल अमीनो एसिड, यानी बॉडी को रिक्वायर होते हैं 22 अप्रोक्स 22 अमीनो एसिड, लेकिन उनमें से भी 7 से 8 अमीनो एसिड ऐसे हैं जो कि बॉडी को रिक्वायर होने ही चाहिए, बॉडी को मिलना ही चाहिए, अदरवाइज बॉडी के अंदर कोई भी डेफिशिएंसी डिसऑर्डर हो सकता है। इसीलिए उन 7 to 8 अमीनो एसिड को एसेंशियल अमीनो एसिड हम कहते हैं, जिसको अपन आगे अभी लिस्ट आउट करेंगे, जिसको अपन आगे क्या करेंगे, लिस्ट आउट करेंगे। तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, 8 आर कोल्ड एसेंशियल अमीनो एसिड। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आउट ऑफ 22 हमने ऊपर देखे जो अमीनो एसिड के रिक्वायरमेंट होती है, उनमें से 8 अमीनो एसिड ऐसे अमीनो एसिड है जिनको एसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, एसेंशियल कहते हैं, बिकॉज बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज, क्योंकि बॉडी के अंदर ये सिंथेसाइज नहीं होते हैं, ये सफिशियंट अमाउंट में बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होते हैं। इनको एक ह्यूमन क्या करता है, फूड के थ्रू लेता है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, एसेंशियल अमीनो एसिड कहा जाता है। याद रखे ये पॉइंट, क्या कहा जाता है, एसेंशियल अमीनो एसिड कहा जाता है, ठीक है। यानी अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं जितने भी एसेंशियल अमीनो एसिड हैं उनमें से 8 अमीनो एसिड ऐसे हैं जिनको एसेंशियल अमीनो एसिड कहा जाता है, क्योंकि ये अमीनो एसिड बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होते हैं, बिकॉज द बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज, क्योंकि बॉडी इनको सिंथेसाइज नहीं करती है, बॉडी के अंदर ये सिंथेसाइज नहीं होते हैं, बॉडी के अंदर ये बनते नहीं है, और इनको दीज मस्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम दी फूड वी ईट, जिसको अपन खाना खाते हैं उससे हमें ये प्राप्त होते हैं। यानी सिंपल सी लैंग्वेज में कह सकते हैं, ऐसे अमीनो एसिड जो बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होते हैं, जिनको हम फूड से लेते हैं, यानी फूड के थ्रू हम लेते हैं, उन अमीनो एसिड को एसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, अमीनो एसिड को एसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। और वो नंबरिंग में कितने हैं, 8 हैं। यानी 8 अमीनो एसिड ऐसे अमीनो एसिड है जो कि क्या होते हैं, एसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं। अब लिस्ट आउट हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे एमिनो एसिड हैं जो कि बॉडी के अंदर रिक्वायर होने चाहिए, बॉडी को जरूरत होती है, बॉडी को नहीं मिलते हैं तो बॉडी के अंदर कोई भी एबनॉर्मलिटीज हो सकती है। लाइक देखिए आप कौन कौन से एमिनो एसिड है ऐसे। फर्स्ट वन है आइसोल्यूसिन, याद रखना पड़ेगा आपको ये, ठीक है। कुछ 8 नाम है यहाँ पर, ये अपन याद रखने हैं, ठीक है। अपने को क्या करना है, याद रखना है कौन कौन से है, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड लाइक मिथियोनिन और सिस्टीन, हम कह सकते हैं, यानी सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है। देन फिनाइल एलेनिन टायरोसिन, देन थ्रियोनिन, देन ट्रिप्टोफोन और देन वैलिन। ये 8 अमीनो एसिड ऐसे हैं जो कि एसेंशियल अमीनो एसिड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ये सारे के सारे एसेंशियल अमीनो एसिड कहलाते हैं, क्योंकि ये बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होते हैं, इनको हम क्या करते हैं, फूड के थ्रू लेते हैं, फूड के थ्रू इनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं, इसीलिए ये एसेंशियल अमीनो एसिड माने गए हैं। अगर इनकी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं किया गया है तो बॉडी के अंदर
कोई भी एबनॉर्मलिटीज हो सकती है, इनके रिगार्डेड जो भी एबनॉर्मलिटीज होती हैं वो हो सकती हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, कौन कौन से हैं? आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड लाइक मिथियोनिन और सिस्टीन, देन फिनाइल एलेनिन और टायरोसिन, देन थ्रियोनिन, देन ट्रिप्टोफैन और देन वैलिन। ये ऐसे एमिनो एसिड हैं, ऐसे एमिनो एसिड हैं जिसकी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, जिनकी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, बट ये बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होते, बट ये बॉडी के अंदर क्या नहीं होते हैं, सिंथेसाइज नहीं होते हैं। इसीलिए इनको क्या किया जाता है भाई, फूड हमें लेना होता है, यानी फूड के अंदर इनकी रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाना है, इनकी रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाना होता है। अगर इनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है तो बॉडी के अंदर इनके रिगार्डेड, बॉडी के अंदर इनके रिगार्डेड एबनॉर्मलिटीज हो सकती है, बॉडी के अंदर इसके रिगार्डेड एबनॉर्मलिटीज हो सकती है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, असेंशियल एमिनो एसिड कहा जाता है। आई थिंक क्लियरली आपको समझ आ गया होगा, आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम टॉपिक पढ़ते हैं सोर्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के सोर्स क्या क्या है, प्रोटीन को कहाँ कहाँ से प्राप्त किया जाता है, प्रोटीन को हम फूड में कहाँ कहाँ से, कौन कौन से फूड हमें खाने चाहिए कि हमें एक सफिशियंट अमाउंट में प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी हो सके, हमें प्रोटीन मिल सके। तो सबसे फर्स्ट वन इसमें देखिए हम सोर्स के अंदर, सोर्स ऑफ प्रोटीन के अंदर सबसे फर्स्ट वन सोर्स है यहाँ पर एनिमल सोर्स, सबसे फर्स्ट वन यहाँ पर सोर्स है एनिमल सोर्स, यानी एनिमल प्रोडक्ट के अंदर प्रोटीन पाया जाता है। अब कौन से एमिनो एसिड है, कौन से एमिनो अम्ल है जो कि कौन से एनिमल्स हैं, कौन से एनिमल्स फूड हैं, कौन से एनिमल सोर्स है जिनके अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है। देखिए फर्स्ट वन देखिए आप प्रोटीन के अंदर, प्रोटीन ऑफ एनिमल ओरिजन, एनिमल ओरिजन आर फाउंड इन मिल्क, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट जितने भी होते हैं, लाइक वो कर्ड हो सकता है, ठीक है, लाइक वो घी हो सकता है। घी के अंदर पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? सर थोड़ा बहुत पाया जाता है स्मॉल अमाउंट में, लेकिन घी के अंदर हम मोस्टली कह सकते हैं, घी के अंदर हम मोस्टली कह सकते हैं कि फैट प्रेजेंट होता है, फैट प्रेजेंट होता है, जो कि अपन फैट के अंदर डिस्कस करेंगे। उसके अलावा मीट, रेड मीट हो सकती है, उसके अलावा एग हो सकते हैं, उसके अलावा चीज हो सकती है, फिश हो सकती है, चिकन हो सकते हैं, ये एनिमल फूड के अंदर या एनिमल सोर्स के अंदर आएंगे, जिनके अंदर प्रोटीन पाई जाती है, जिनके अंदर प्रोटीन के सोर्स होते हैं, या फिर ये प्रोटीन के सोर्स होते हैं। क्या क्या है प्रोटीन के सोर्स एनिमल ओरिजिन के अंदर? मिल्क है, मिल्क प्रोडक्ट है, मीट, रेड मीट, एग, चीज, फिश, चिकन एटसेट्रा, ये सारे क्या है, एनिमल सोर्स है, प्रोटीन के एनिमल सोर्स है। आई थिंक क्लियरली आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है These contain all essential amino acid in adequate amount. यानी जो ऊपर हमने सोर्स देखे like milk, milk product, meat, red meat, egg, cheese, fish, chicken. इनके अंदर essential amino acid जो कि in adequate amount में present होते हैं, essential amino acid जो कि क्या है, adequate amount में present होते हैं, इसीलिए ये सारे food हमें खाने चाहिए, इसीलिए ये सारे food हमें लेने चाहिए। आगे देखे एग प्रोटीन इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट अमंग फूड प्रोटीन, यानी एनिमल फूड के अंदर जो एग प्रोटीन होती है उसको बेस्ट माना जाता है। किस लिए, आप सबको पता है कौन सी प्रोटीन पाई जाती है इसमें? एल्बुमिन प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, ऐसा आप सबको याद होगा कि एग के अंदर जो एग योक होता है उसके अंदर कौन सी प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं? एल्बुमिन प्रेजेंट होती हैं। इसीलिए एग प्रोटीन इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट अमंग फूड प्रोटीन बिकॉज ऑफ डियर हाई बायोलॉजिकल वैल्यू, क्योंकि इसके अंदर हाई बायोलॉजिकल वैल्यू होती है और ये जो डाइजेस्टिबिलिटी है उसको भी इम्प्रूव करने का काम करता है। यानी कहा जाता है एग खाने चाहिए, अंडे खाने चाहिए, उससे हमें प्रोटीन्स ज़्यादा मिलेगी, उससे हमें प्रोटीन्स ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। तो ये बात की हमने एनिमल सोर्स के रिगार्डेड, यानी एनिमल से जो भी सोर्स हैं वो हमने देखे। अब आगे बढ़ते हैं और प्रोटीन के प्लांट सोर्स हम देखते हैं, प्रोटीन के प्लांट सोर्स हम देखते हैं, और प्रोटीन के प्लांट सोर्स के अंदर सबसे फर्स्ट वन प्लांट और वेजिटेबल, जितने भी वेजिटेबल्स आते हैं वो इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। उसके अलावा पल्सेज और लेग्यूम, जो फलियां होती हैं, पल्सेज और लेग्यूम, दालें और फलियां, उसके अलावा सीरियल्स, सीरियल्स मीन्स अनाज, जो भी धान होता है वो वाला, उसके अलावा ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट,
बीन, नट, ऑयल सीड, केक एटसेट्रा, इन सब के अंदर भी प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, इसीलिए इनको प्लांट सोर्स ऑफ प्रोटीन कहा जाता है। याद रखिए क्या क्या पल्सेज हैं, लेग्यूम्स हैं, सीरियल्स हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, ड्राई फ्रूट हैं, बीन हैं, नट्स हैं और ऑयल सीड्स हैं, केक है एटसेट्रा, ये सारे प्लांट सोर्स माने जाते हैं प्रोटीन के। ठीक है, प्रोटीन के प्लांट सोर्स माने जाते हैं, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। दे आर पुअर इन असेंशियल अमीनो एसिड, इनके अंदर क्या होता है, पुअर अमाउंट में अमीनो एसिड होता है, पुअर अमाउंट में अमीनो एसिड होता है, यानी प्रोटीन का भी लेस अमाउंट इनमें प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर सबसे मोस्ट ऑफ दी अपन कह सकते हैं जो पल्सेस है, दालें हैं, उसके अंदर भी सोयाबीन जो दाल है, सोयाबीन की जो दाल है उसके अंदर हायर अमाउंट में प्रोटीन प्रेजेंट होता है, उसके अंदर हायर अमाउंट में प्रोटीन प्रेजेंट होता है। याद रखें, प्रोटीन के अंदर जो सोयाबीन दाल होती है उसके अंदर हायर अमाउंट में प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो प्लांट सोर्स इज द बेस्ट सोर्स ऑफ द प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन के लिए बेस्ट सोर्स माने जाते हैं प्लांट सोर्स, उसके अंदर की सॉरी एनिमल सोर्स गुड सोर्स माने जाते हैं, और उसके अंदर भी एग जो है वो की गुड सोर्स माने जाते हैं, और उनकी बायोलॉजिकल जो वैल्यू है वो भी ज़्यादा मानी जाती है, ध्यान रहे। ठीक है, तो एनिमल सोर्स और प्लांट सोर्स हमने डिस्कस किया, आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। आगे एक पॉइंट और मेंशन है, ये और देखते हैं। इन इंडिया सीरियल और पल्सेज आर द मेन सोर्स ऑफ द डाइटरी प्रोटीन बिकॉज दे आर कंज्यूम्ड इन बल्क, ज़्यादा अमाउंट में ज़रूरत होती है, ज़्यादा अमाउंट में इनको कंज्यूम किया जाता है। इन इंडिया की बात की गई है, ये पॉइंट इंडिया के लिए लिखा हुआ है कि इंडिया के अंदर जो सीरियल्स है यानी अनाज वगैरह है, उसके अलावा पल्सेज है, दालें और अनाज है, वो मेजर सोर्स माना गया है इंडिया के अंदर, मेन सोर्स माना गया है डाइट्री प्रोटीन को लेने के लिए। डाइट्री प्रोटीन के लिए इंडिया के अंदर सीरियल्स और पल्सेज को मोस्ट और मेन सोर्स माना गया है। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर इन दोनों सोर्स को एक अच्छी अमाउंट में लेते हैं। इंडिया के जो लोग हैं, इंडियन पीपल है, इंडियन पॉपुलेशन है, वो पल्सेज और सीरियल्स काफ़ी अच्छी अमाउंट में यानी नॉर्मली जनरली इन फूड को वो लेते हैं, इसलिए इंडिया के अंदर उनको मेन सोर्स माना गया है, सीरियल और पल्सेज, दालें और अनाज को मेन सोर्स माना गया है। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो प्रोटीन का इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा, प्रोटीन का कंपोजिशन हमने पढ़ा कि प्रोटीन के अंदर क्या क्या होता है, उसके बाद अमीनो एसिड के रिगार्डिंग उसकी चेन हमने पढ़ी कि चेन लाइक होती हैं प्रोटीन्स, उसके अलावा एसेंशियल अमीनो एसिड की एनालिस्ट किया, एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होता है उसके बारे में देखा। अब हम देखते हैं कि प्रोटीन रिक्वायरमेंट कितना होता है एक पर्सन के अंदर, एक एडल्ट के अंदर, एक चिल्ड्रन के अंदर, और एक प्रेग्नेंट लेडी के अंदर, और एक लैक्टेशन मदर के अंदर कितना प्रोटीन रिक्वायरमेंट होता है वो हम देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट वन थोड़ा सा इनके अंदर लिखा हुआ है वो अपन पढ़ते हैं, फिर रिक्वायरमेंट देखें। प्रोटीन रिक्वायरमेंट वेरी इन एज, जेंडर एंड अदर फिजियोलॉजिकल वेरिएबल्स फैक्टर्स लाइक इन्फेक्शन, वॉर्म इन्फेस्टेशन, इमोशनल डिस्टर्बेंस और स्ट्रेस सिचुएशन, यानी प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है वो चेंजेबल है, वरी करती हैं किस पर, पर्सन की एज पर, यानी पर्सन की एज पर भी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती हैं। यानी कोई पर्सन है 5 साल का है, कोई जैसे 5 साल का बच्चा हो गया, उसके अलावा कोई पर्सन है 15 ईयर का है, 15 साल का है, कोई 18 साल का है, कोई 20 साल का है, तो उनके अंदर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट थोड़ी बहुत चेंजेबल रहती हैं, उनके जेंडर यानी मेल और फीमेल के अंदर भी ये डिफरेंट रहती हैं। उसके अलावा फिजियोलॉजिकल कोई वेरिएबल है, उसके अलावा लाइक इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन के अंदर भी इसकी चेंजेस रहती हैं रिक्वायरमेंट, कोई इन्फेस्टेशन हो गया, वॉर्म इन्फेस्टेशन हो गया तो उसके अंदर भी रिक्वायरमेंट कम ज़्यादा हो सकती है, इमोशनल डिस्टर्बेंस है तो उसके अंदर भी कम ज़्यादा हो सकती है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन है तो उसके अंदर भी प्रोटीन की लेवल या रिक्वायरमेंट कम ज़्यादा हो सकती है। यूजुअली हम कहें तो 1 ग्राम प्रोटीन्स पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग एक अडल्ट को चाहिए होता है, कि इंडियन अडल्ट की बात करें तो 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग चाहिए होता है। यानी लाइक आप समझे कि कोई पर्सन है जिसका वेट कितना है 70 केजी है, एक पर्सन है जिसका वेट है 70 केजी, 70 किलो का पर्सन है, तो उसको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी होगी? सर 70 ग्राम होगी। कैसे होगी? क्योंकि हम कह रहे हैं कि 1 ग्राम
एक ग्राम यानी 1 ग्राम पर केजी पर बॉडी वेट की बात अपन कर रहे हैं, 1 ग्राम पर केजी पर बॉडी वेट की बात कर रहे हैं, तो पर्सन का वेट है 70 केजी है, तो 1 केजी पर 1 ग्राम है, तो 70 केजी पर कितना ग्राम हो गया, 70 ग्राम हो गया। आई थिंक क्लियरली समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और डेली रिक्वायरमेंट हम देख लेते हैं। तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू जेंडर, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू फिजियोलॉजिकल फैक्टर, अकॉर्डिंग टू इमोशनल डिस्टर्बेंस चेंजेबल हो सकती हैं, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती हैं, अल्टर रह सकती हैं। ठीक है, अब देखिए कॉमनली जनरली बात करें तो एक अडल्ट के अंदर, इंडियन अडल्ट के अंदर बॉडी के अंदर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी होती है, तो 1 ग्राम पर केजी पर बॉडी वेट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। कितनी? 1 ग्राम पर केजी पर बॉडी वेट और पर डे के अकॉर्डिंग होना चाहिए। यानी एक पर्सन को, एक इंडियन पर्सन को, अगर पर्सन अडल्ट है तो उसको 1 ग्राम पर केजी पर बॉडी वेट के अकॉर्डिंग लेना चाहिए। यानी पर्सन का वेट 70 केजी है, 70 केजी है तो उसको पर डे के अकॉर्डिंग 70 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। ठीक है, आई थिंक क्लियरली समझ में आया होगा। उसके बाद आगे देखें तो चिल्ड्रन की बात करें तो 40 ग्राम बॉडी वेट के अकॉर्डिंग चाहिए, 15 से 40 ग्राम बॉडी वेट के अकॉर्डिंग चाहिए। याद रखें चिल्ड्रन के अंदर 15 से 40 ग्राम बॉडी वेट के अकॉर्डिंग देना होता है। उसके अलावा आगे बात करें अपन इन्फेंट की, तो इन्फेंट के अंदर कितना होना चाहिए, 2 से लेकर 2.5 ग्राम पर केजी पर बॉडी वेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, 2 से लेकर 2.5 ग्राम बॉडी वेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। उसके अलावा आगे चले प्रेग्नेंट लेडी के लिए, प्रेग्नेंट लेडी के अंदर होना चाहिए 55 ग्राम पर केजी पर बॉडी वेट के अकॉर्डिंग उसको देना चाहिए, और लैक्टेटिंग मदर के लिए देना चाहिए 65 ग्राम पर केजी पर बॉडी वेट के अकॉर्डिंग देना चाहिए, 65 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग पर डे के अकॉर्डिंग उसको डेली रिक्वायरमेंट होती है। अब आप कहेंगे कि सर अडल्ट के अंदर तो 1 ग्राम के अकॉर्डिंग देनी चाहिए और चिल्ड्रन के अंदर इतनी 15 से 40 ग्राम, तो रिक्वायरमेंट मैंने क्या कहा है कि बॉडी के अंदर एज और जेंडर के अकॉर्डिंग चेंजेबल हो सकता है, और चिल्ड्रन के अंदर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा है, एडल्ट के अंदर कम होती है, प्रेग्नेंट लेडी के अंदर और लैक्टेटिंग मदर के अंदर ज़्यादा होती है इसलिए उनका अमाउंट भी ज़्यादा है। आई थिंक यहाँ तक क्लियरली समझ में आ गया होगा। एक बार आप देख लीजिएगा क्या क्या इसके अंदर है, एक बार देख लीजिएगा अडल्ट के अंदर कितने हैं, चिल्ड्रन के अंदर कितने हैं और इन्फेंट के अंदर कितने हैं, प्रेगनेंसी के अंदर कितने हैं और लैक्टेटिंग मदर के अंदर कितने हैं, देख लीजिएगा फटाफट से। फिर आगे अपन चलते हैं और आगे पढ़ेंगे इसके फंक्शन, प्रोटीन के क्या क्या फंक्शन है। स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं ताकि याद रहे, बाकी आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा पीडीएफ। ठीक है, पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। आई थिंक क्लियरली आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं इसके प्रोटीन के रिगार्डेड इसके फंक्शन, प्रोटीन के क्या क्या फंक्शन होते हैं वो हम डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है देखिए आप, फर्स्ट पॉइंट है फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए होती है, यानी प्रोटीन क्या करता है, बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करवाता है, देन आगे बढ़ते हैं, सिंस द प्रोवाइड द बिल्डिंग मटीरियल लाइक अमीनो एसिड जो होता है बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करवाता है, तो याद रखें काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रोटीन के रिगार्डेड, प्रोटीन क्या करवाता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करवाता है, ध्यान रहे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, फॉर सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडी एंजाइम और हॉर्मोन। ठीक है, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट या प्रोटीन किसमें हेल्प करता है, एंटीबॉडी के सिंथेसिस में हेल्प करता है, एंजाइम के सिंथेसिस में हेल्प करता है और हार्मोन के सिंथेसिस में ये हेल्प करती है प्रोटीन। इसीलिए प्रोटीन का काफी इंपोर्टेंस कहा गया था, अपन ने स्टार्टिंग में कहा था कि ग्रेटेस्ट इंपोर्टेंस होता है प्रोटीन का अपनी हेल्थ के लिए एक ह्यूमन न्यूट्रिशन के अंदर। ठीक है, तो प्रोटीन ही क्या करवाता है, एंटीबॉडी। आपको पता है इम्यूनोग्लोबिन,
इम्यूनोग्लोबुलिन, आप सबको पता है IgG, IgM, इन सब के बारे में आपने पढ़ा होगा। एंटीबॉडी आपने पढ़ी होगी, इम्यूनिटी आपने पढ़ी होगी, तो उसके अंदर देखा होगा कि जो इम्यूनिटी होती है, एंटीबॉडी होती है, वो भी एक टाइप की क्या होती है, प्रोटीन होती है। इसीलिए ये एंटीबॉडी के फॉर्मेशन में भी, सिंथेसिस में भी पार्टिसिपेट करता है, उसके लिए भी रिक्वायर होती है, इसलिए उसके रिगार्डिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन ये करता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, प्रोटीन हेल्प इन द रेगुलेशन ऑफ द ऑन्कोटिक प्रेशर। बॉडी के अंदर जो ऑन्कोटिक प्रेशर है, किडनी के अंदर आपने पढ़ा होगा, देखिए अलग अलग टाइप के प्रेशर आपने पढ़े होंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑन्कोटिक प्रेशर आपने पढ़ा होगा। आपने देखा होगा कि बॉडी के अंदर यदि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट या प्रोटीन का अमाउंट बॉडी के अंदर कम हो जाता है, तो बॉडी के अंदर स्वेलिंग आने लग जाती है, इडिमा होने लग जाता है। बॉडी के अंदर क्या होने लग जाता है, इडिमा होने लग जाता है। इडिमा मतलब किडनी रिगार्डेड प्रॉब्लम। अगर ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो जाता है तो बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, इडिमा आने लग जाता है, किडनी रिगार्डेड प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए प्रोटीन क्या करती है, ऑन्कोटिक प्रेशर को भी मेंटेन करने का काम करती है। आई थिंक क्लियरली यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रोटीन एक्ट ट्रांसपोर्टिंग एजेंट, प्रोटीन ट्रांसपोर्टिंग एजेंट का भी काम करती है। प्लाज्मा प्रोटीन आपने सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना है, बिल्कुल आप सबको याद है, सब इंटेलिजेंट है, सब CHOs है, ठीक है, तो याद रखें, परेशान होने की जरूरत नहीं है, काफी इजी सब्जेक्ट है और काफी इजी टॉपिक है, थोड़ा थोड़ा आपको तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा तो आपको पढ़ना पड़ेगा, बाकी जिम्मेदारी जीवन एजुकेशन पर छोड़ दिया, आपको हर सारा मटेरियल अवेलेबल करवाया जाएगा, बिल्कुल स्वीट और सिंपल लैंग्वेज के अंदर। डोंट वरी, बने रहिए जीवन एजुकेशन के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर दीजिए, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करें, नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है, प्रोटीन हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ कोलेजन। प्रोटीन कोलेजन के सिंथेसिस में भी हेल्प करती है। आप सबको पता है, अगर कोई पर्सन आता है हॉस्पिटल के अंदर, तो डॉक्टर अगर पर्सन के उंड हो रखा है, पर्सन के घाव हो रखा है, तो पर्सन के घाव हो रखा है, डॉक्टर क्या प्रिस्क्राइब करता है, प्रोटीन रिगार्डेड मेडिसिन प्रोवाइड करता है और विटामिन रिगार्डेड मेडिसिन प्रोवाइड करता है। तो कह सकते हैं कि प्रोटीन जो कि कोलेजन सिंथेसिस में भी हेल्प करता है, और कोलेजन सिंथेसिस मींस कह सकते हैं उंड हीलिंग में भी ये हेल्प करता है। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, उंड हीलिंग में भी हेल्प करता है। तो कह सकते हैं फॉर रिपेयरिंग ऑफ बॉडी टिश्यूज एंड दियर मेंटेनेंस, बॉडी टिश्यूज को मेंटेनेंस करने के लिए, बॉडी में रिपेयरिंग करने के लिए भी हेल्पफुल होती है प्रोटीन, और साथ ही विटामिन सी, ठीक है, दोनों ही उंड हीलिंग के अंदर काफी हेल्पफुल होते हैं। आई थिंक यहाँ तक जहाँ तक अभी तक जो पॉइंट हमने देखे हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। आई थिंक क्लियरली आपको समझ आ गया होगा। लास्ट पॉइंट हम देखें तो प्रोटीन एनर्जी प्रोवाइड भी करवाती है। प्रोटीन ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी, प्रोटीन एनर्जी का सोर्स भी है, यानी 1 ग्राम प्रोटीन प्रोवाइड करवाती है 4 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करती है प्रोटीन। आई थिंक क्लियरली समझ में आ गया होगा प्रोटीन के रिगार्डेड। तो प्रोटीन के रिगार्डेड सबसे फर्स्ट वन हमने पढ़ा प्रोटीन की डेफिनेशन, प्रोटीन क्या होता है वो हमने पढ़ा, प्रोटीन का इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा, प्रोटीन एज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट, प्रोटीन ग्रेटेस्ट इंपोर्टेंस रखता है अपनी लाइफ के अंदर, एक ह्यूमन हेल्थ के अंदर। प्रोटीन अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बना होता है, लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस। देन आगे हमने पढ़ा कि 16% नाइट्रोजन होता है एक प्रोटीन के अंदर, और 1/5 पार्ट बनाता है एक बॉडी का, एक ह्यूमन इंडिविजुअल बॉडी का 1/5 पार्ट बनाता है। उसके अलावा कहा है कि एमिनो एसिड की चेन है। देन हमने कहा है कि 8 एमिनो एसिड ऐसे होते हैं जो कि एसेंशियल होते हैं, जो कि बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होते हैं, इनको फूड के थ्रू लिया जाता है, इसलिए क्या कहते हैं इनको, एसेंशियल एमिनो एसिड कहते हैं, जिनका लिस्ट आउट हमने देखा और आपको समझ में आ गया। उसके बाद सोर्स हमने देखे, एनिमल सोर्स हमने देखा, उसके बाद प्लांट सोर्स हमने देखे, देन प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हमने देखी अलग अलग एज लेवल पर, अलग अलग क्राइटेरिया को देखते हुए। उसके बाद हमने प्रोटीन के फंक्शन देखे, और उम्मीद है फ्रेंड्स यहाँ तक जो भी हमने पढ़ा है प्रोटीन के रिगार्डेड वो आपको समझ में आया होगा। अब आगे हम नेक्स्ट पढ़ते हैं डेफिशिएंसी डिसऑर्डर ऑफ प्रोटीन, जिसके अंदर जनरली आपने पढ़ा होगा PEM या PCM आपने पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, हाँ सर पढ़ा है, माल न्यूट्रिशन है, एक टाइप का ही क्या है, माल न्यूट्रिशन है, यानी इनके अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, कैलोरी की डेफिशिएंसी हो जाती है, दैट कैन लीड टू PEM, जो कि ग्रेट रिस्क माना गया है।
पी फॉर प्रोटीन, ई फॉर एनर्जी, एम फॉर माल न्यूट्रिशन। यानी कह सकते हैं क्या है ये, प्रोटीन एनर्जी, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, प्रोटीन एलर्जी एनर्जी माल न्यूट्रिशन है। या फिर पीसीएम मींस क्या है, प्रोटीन कैलोरी, प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन। दोनों आपको पहले पढ़ाया हुआ होगा, आपने पहले कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। तो ये एक सेपरेट सेशन हम लेंगे पीएम पीईएम यानी प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के रिगार्डेड, हम एक सेपरेट सेशन लेंगे, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है फ्रेंड्स प्रोटीन के रिगार्डेड जो भी आपको अभी तक बताया है आप सबको समझ आ गया होगा और याद रहा होगा। बाकी आज के सेशन को हम यहीं पर फिनिश करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए बने रहिए जीवन एजुकेशन के साथ। चैनल को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर जानकारी आप तक पहुँच सके। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।